नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ HIV एड्स क्या है, HIV एड्स क्यों होता है, HIV एड्स के लक्षण क्या हैं, HIV एड्स कैसे फैलता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि HIV एड्स क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, HIV एड्स क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, पूरे डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको 10th क्लास में भी आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, और आपको आगे भी पढ़ना होगा ये कैसे फैलता है, लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। एड्स क्या है और इसके फुल फॉर्म। एड्स, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के रूप में माना जाता है, एक जीवन डराने वाली स्थिति है जो मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और इस प्रकार के उन जीवों से लड़ने की क्षमता बाधा उत्पन्न करती है जो बीमारी का कारण बनते हैं। HIV एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे शरीर को कई अन्य संक्रमणों और बीमारियों में आ जाता है और साथ ही मौजूद संक्रमणों के प्रभाव को तेज करता है। उचित उपचार के बिना संक्रमण बढ़ सकता है और एक एडवांस स्टेज में आ सकता है जो कि एड्स होता है। एक बार जब HIV संक्रमण इस चरण में विकसित हो जाता है तो व्यक्ति अधिक जोखिम में हो जाता है। एड्स के लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है इसके, बुखार होना यह HIV एड्स का प्रमुख लक्षण है, जिसमें व्यक्ति को बार बार बुखार होता है। आमतौर पर बुखार को सामान्य समस्या समझकर उसे नज़रअंदाज जो है कर दिया जाता है, लेकिन कई बार बुखार का लंबे समय तक रहना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। सिर दर्द, HIV एड्स का अन्य लक्षण सिर दर्द होना भी है, कई बार ऐसे तनाव या थकान के परिणाम के रूप में देखा जाता है और इसके लिए सिर दर्द की गोली या फिर आराम करने जैसे उपायों को अपनाया जाता है। लेकिन जब सिर दर्द में आराम किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो व्यक्ति को डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह माइग्रेन या HIV एड जैसे गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। त्वचा पर चकते का होना, HIV एड्स का असर त्वचा पर भी होता है। इसकी वजह से त्वचा के रंग में बदलाव होने के साथ साथ उस पर धब्बे या चकते इत्यादि समस्याएं भी होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी समस्या से पीड़ित है तो उसको तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए ताकि इसे समय तक काबू में किया जा सके और इसके साथ में HIV एड्स की संभावना को भी किया जा सके। गले में खराश होना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों को इसकी शुरुआत में गले की खराश की शिकायत रहती है। यदि किसी शख्स के गले में अचानक से खराश होने लगी और उसमें किसी उपाय से आराम नहीं मिल रहा है तो इसकी जाँच अच्छी तरह से करानी चाहिए। पेट में दर्द होना, HIV एड्स का अन्य लक्षण पेट में दर्द होना भी है। हो सकता है कि अधिकांश लोगों को इस पर विश्वास न हो, लेकिन HIV एड्स के ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जिसकी शुरुआती लक्षण जो है पेट के दर्द से होती है। एड्स का कारण क्या है, HIV आमतौर पर एक वायरस के कारण होता है जो रक्त यौन संपर्क स्तनपान बच्चे को जन्म या गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे को HIV एड्स से पीड़ित माँ से फैल सकता है। किसी व्यक्ति को HIV से संक्रमित होने के लिए संक्रमित वीर्य रक्त या योनि स्वा शरीर में प्रवेश करना चाहिए। यह कई तरीकों से हो सकता है, जिसमें संभोग, रक्त आधान, इंजेक्शन साझा करना या गर्भवती और प्रसव शामिल है। तो HIV आमतौर पर केवल इन तरीकों से घोषित होता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने का मतलब यह नहीं है कि वायरस दूसरे में फैल जाएगा। अधिकतर संभोग और पहले से उपयोग की जाने वाली सुइयों का साझा करना दो सामान्य विधियां हैं जिनके साथ HIV संक्रमित होता है। एक बार जब आप उपरोक्त किसी भी तरीके से वायरस किसी अन्य व्यक्ति में फैल जाता है तो यह शरीर को किसी भी तरह से संक्रमण या कैंसर से बचने के
या बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति को कम करना शुरू कर देता है। एचआईवी एड्स कैसे फैलता है? कंडोम पहने बिना किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ गुदा या योनि में संभोग करना। सीरीज और इंजेक्शन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जिसको पहले से ही एड्स हो। एक सर्जिकल उपकरण या सुई के संपर्क में आना जो एचआईवी संक्रमित ब्लड से दूषित है। उन लोगों के साथ सीरीज और झुइया साझा करना जिनके पास पहले से ही एचआईवी एड्स हो। शिशुओं को अपनी माँ से एचआईवी एड्स विकसित हो सकता है तो स्तनपान या जन्म के दौरान पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं। एचआईवी एड्स गले लगाना, ड्रिंक साझा करना या चुंबन द्वारा नहीं फैल सकता है। एचआईवी एड्स की रोकथाम कैसे करें? यदि ओएलएस को रोका जा सकता है तो सामान्य जीवन प्रत्याशा उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो देर से एचआईवी से पीड़ित हैं। दवा की मदद से एचआईवी वायरस के प्रबंधन के अलावा व्यक्ति को कुछ सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कंडोम पहनने से एसटीडी को रोकने में मदद मिल सकती है। टीकाकरण संभावित ओएलएस के लिए किया जाता है या आप टीकाकरण के ही ओएलएस के लिए आप ले सकते हैं जिस पर आपके डॉक्टर के चर्चा की जा सकती है। रोगी को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि उतावरण को घेरने वाले कीटाणुओं से स्थिति बिगड़ सकती है। व्यक्ति को अपने जोखिम को सीमित करना चाहिए और विशेष रूप से सुरक्षात्मक दस्ताने के साथ प्रासंगिक सावधानी बरतनी चाहिए। जो खाद्य पदार्थ पहले से ही दूषित होने के खतरे में है तो उसे सख्ती से बचा जा सकता है। रोगी को अपने चिकित्सक से उनकी छुट्टियों की गतिविधियों के बारे में पूछना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संभावित ओएलएस के संपर्क को सीमित करते हैं। तो दोस्तों आज आपको बताएं एचआईवी एड्स क्या है, एचआईवी एड्स क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फैलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।